Hello guys, hope so you all are good. And in my video, like I was telling you about IELTS spoken English and grammar, but I have told you in my first video, the introduction of my videos, like that time I have told you that I'll tell you about the PTE also, like what is PTE, why students crack PTE exam and what is the benefit of it. So I will tell you today in my video these kind of things. And अभी भी कई लोगों के मन में ये सवाल होता है कि PTE और IELTS में difference क्या है, PTE है क्या? तो like these all kind of things today I am going to tell you about. PTE, the PTE की full form होती है Pearson Test of English. That is the Pearson Test of English. ये भी एक IELTS का ही test होता है, जैसे कि IELTS एक test है हमारा इंटरनेशनल स्टडी करने के लिए, वैसे ही पीटी होता है. दिस इज लाइक पर्टिकुलरली फॉर यू कैन से ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है. और भी कंट्रीज के लिए आप ये कर सकते हो, पर ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि जब हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और हमें पीआर या फिर टीआर के लिए अप्लाई करना होता है, तो उस टाइम पर भी हमसे वहां पे पीटी का स्कोर मांगा जाता है. तो अगर आप यहां से ही पीटी करके जा रहे हो, पीटी के ऊपर ही आप फाइलिंग करके जा रहे हो, तो वहां पे आपके लिए स्कोर अटेम्प्ट करना इज वेरी इजी. सो दैट इज व्हाई पीटी इज मस्ट. एंड अगर आपका यहाँ पे पीटी में अच्छे पॉइंट्स आ जाते हैं, 6.5 बैंड्स के अकॉर्डिंग पॉइंट्स आ जाते हैं, तो वहां पे आपको 7 ईच करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. और आपके पीआर के लिए मोस्टली 7 ईच मांगे जाते हैं. सो इसलिए आपका पीटी करना जरूरी होता है इंडिया में ही. जरूरी क्या, बच्चे आयल्स करते हैं, जब आयल्स में वो स्कोर नहीं कर पाते हैं तब वो पीटी की साइड मूव होते हैं. पर मेरी एडवाइस ये है कि अगर बच्चे को ऑस्ट्रेलिया जाना है और उसको लगता है कि उसे पीआर वगैरह के लिए भी वहां पर जाकर अप्लाई करना है, डेफिनेटली जो करते हैं स्टूडेंट्स, तो पीटी करना बहुत ज्यादा नेसेसरी है. और पीटी करने में फायदा ये है कि आयल्स से 5% यू कैन से दैट इट इज इजी. 5% कैन से, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, बट 5% जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, आई थॉट दैट कि 5% इजी ही है IELTS से. सो दैट इज व्हाई आज मैं आपको पीटी के बारे में सब कुछ बताने जा रही हूँ. कुछ चीजें मैं आज आपको इसमें बता दूंगी और कुछ जो रिमेनिंग थिंग्स होंगी वो आगे हम जब पीटी का कोर्स स्टार्ट करेंगे तब आपको पता लगती रहेंगी. तो जो पीटी की 3 कैटेगरीज होती हैं, अकेडमिक, होम और जनरल. जैसे कि IELTS में अकेडमिक और जनरल का एग्जाम होता है, वैसे ही पीटी में 3 एग्जाम्स होते हैं, अकेडमिक, होम और जनरल. मोस्टली जो स्टूडेंट्स वहां स्टडी करने जा रहे हैं वो करते हैं अकेडमिक. तो आज हम अकेडमिक के अकॉर्डिंग ही सब कुछ बताने वाले हैं, बिकॉज 80% स्टूडेंट्स अकेडमिक के थ्रू ही जाते हैं. एंड जो पीटी होता है ये कंप्यूटर बेस्ड पेपर है. इन द IELTS वी हैव टू राइट ऑल द पेपर लाइक विद इन लाइक विद हेल्प ऑफ पेंसिल, इरेजर एंड वॉट एवर. सो ये जो हमारा एग्जाम है वो पेपर बेस्ड एग्जाम होता है, पेन पेपर, और ये एग्जाम हमारा कंप्यूटर बेस्ड है. पीटी एग्जाम कभी भी पेन पेपर नहीं होता, पीटी एग्जाम हमेशा कंप्यूटराइज टेस्ट ही होगा. इसलिए अगर आपके कंप्यूटर में अच्छी कमांड है, अगर आपको कंप्यूटर के बेसिक फंक्शंस पता है, कॉपी पेस्ट स्क्रोल एंड मिनिमाइज मैक्सिमाइज दीज काइंड ऑफ थिंग्स इफ यू आर नो, सो प्लीज जस्ट गो टू पीटी. अगर आपको इन सब में से कुछ भी नहीं आता है तो देन डोंट थिंक अबाउट पीटी. फर्स्टली यू शुड लर्न अबाउट कंप्यूटर एंड आफ्टर दैट यू शुड मूव टू पीटी. एंड जो फर्स्ट नंबर मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है, सेकेंड है जैसे कि IELTS में मैंने आपको बताया था 9 बैंड्स होते हैं. 9 बैंड्स नहीं, इसमें 10 to 90 पॉइंट्स होते हैं. 10 to 90 पॉइंट्स आपके काउंट होते हैं. तो सच है जैसे आपके 40 पॉइंट्स आ गए हैं 90 में से, तो इट मीन्स आपके 6 बैंड्स बन रहे होंगे. 48 पॉइंट्स हो गए हैं तो 6.5 बन रहे हैं. तो लाइक वो आपके एज IELTS के बैंड्स के साथ कंपैरिजन हो जाता है जिस हिसाब से आपके पॉइंट्स आते हैं. बट 40 से नीचे पॉइंट्स आना इट इज लाइक कॉल्ड फेल्ड. 40 से नीचे आपके पॉइंट्स बहुत ही आपको डिग्रेड कर देते हैं. तो 40 एवरेजली पॉइंट्स आपके आने चाहिए और उससे अबव आने चाहिए. तो 10 to 90 पॉइंट्स का ये एग्जाम होता है. मोरओवर 4 मॉड्यूल्स होते हैं इसमें भी, सेम एज IELTS. ठीक है, 4 मॉड्यूल्स होते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताए थे स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग, ये 4 मॉड्यूल्स हमारे पीटी में होते हैं. बस प्रॉब्लम इसमें ये होती है कि जो हमारा स्पीकिंग और राइटिंग है वो एक साथ होता है, तो आप कह सकते हो कि ये मॉड्यूल थोड़ा लॉन्ग हो जाता है. तो जब आप प्रैक्टिस करने लग जाओगे तो आपको ये भी इजी लगेगा. स्पीकिंग और राइटिंग हमारा एक साथ होता है, रीडिंग सेपरेट, लिसनिंग सेपरेट, पर होता सब कुछ एक ही दिन में है. उसके बाद
एज आई टोल्ड यू कि आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो थोड़ी अच्छी होनी चाहिए कंप्यूटर में, थोड़ी नहीं, अगर बहुत अच्छी है तो दैट इज द मोर गुड, बट अगर आपकी एवरेज भी है तो ठीक है. कंप्यूटर टाइपिंग टाइपिंग और नॉलेज, जो कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है वो आपको कंप्लीटली होनी चाहिए. नेगेटिव मार्किंग होती है पीटीई में, कई जगह पर नेगेटिव मार्किंग है, तो वो कहाँ कहाँ पर है, किस मॉड्यूल में है, कैसे है, वो अकॉर्डिंग टू मॉड्यूल आई विल टेल यू. उसके बाद 3 आवर्स टाइमिंग, जैसे कि आप जब पीटी पेपर एग्जाम देने जाओगे अपना, तो लाइक आपका 3 आवर्स का टेस्ट होगा, 3 रजिस्ट्रेशन वगैरह का टाइम हटाकर मैं आपको बोल रही हूँ. ये जो चारों मॉड्यूल्स हैं आपके 3 आवर्स में कंप्लीट हो जाएंगे. और ये जैसे कि आईएलटीएस में तो हमारा 3 मॉड्यूल्स 1 डे कंडक्ट होता है और स्पीकिंग अनदर डे कंडक्ट होता है, बट पीटी में ऐसा कुछ नहीं है. ऑल दी मॉड्यूल्स विल बी कंडक्टेड टूगेदर, तो ऑल दी मॉड्यूल्स विल बी गिवन टूगेदर. एक ही दिन में 3 आवर्स के एग्जाम में आपके सारे मॉड्यूल्स फिनिश हो जाएंगे. आफ्टर दैट हमारा 10 मिनट्स का ऑप्शनल ब्रेक होता है. मैं ये सब छोटी छोटी चीजें आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये सब पता होना बहुत नेसेसरी है. आप एग्जाम कर रहे हो, 10 मिनट्स आपको ऑप्शनल ब्रेक में मिलते हैं कि आप वो ब्रेक लेना चाहें तब भी ठीक है, नहीं लेना चाहते हैं तो आप अपनी सीट पर बैठ के रेस्ट कर सकते हैं, बट आप उस ड्यूरेशन में एग्जाम नहीं कर सकते. उस ड्यूरेशन में एग्जाम करना इसलिए अलाउड नहीं है बिकॉज अगर वो ड्यूरेशन में एग्जाम करना अलाउड होगा तो कोई भी ब्रेक के लिए नहीं जाएगा. तो इन 3 आवर्स में आपके लिए 10 मिनट्स ऑप्शनल ब्रेक होता है. और उसके बाद जब मैंने आपको जैसे बताया कि इसमें मॉड्यूल्स यही होते हैं 4, सेम टू सेम एज आईएलटीएस, तो ये होता है आपका पीटी. अब पीटी में कौन से मॉड्यूल में क्या है, इसमें सिलेबस किस तरह का है, स्पीकिंग में 1-to-1 सेशन इंटरव्यू होता है या फिर लिसनिंग में वैसे ही लिसनिंग होती है सेम एज आईएलटीएस की तरह, ये सब चीजें आपको क्या है मॉड्यूल वाइज पता लगेंगी. जैसे मैं आपको ईच मॉड्यूल पर डे करवाऊंगी उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन करूंगी कि आपको किस मॉड्यूल में क्या करना है, कितने टाइप्स क्वेश्चंस होते हैं और ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कौन से लिंक पर जाकर होगी. तो जिस भी टाइप के क्वेश्चन की मैं एक्सप्लेनेशन आपको दूंगी उस टाइप के क्वेश्चन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शो करूंगी और आप उस लिंक के गो थ्रू करके उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो आराम से घर पे बैठ के. और आपकी प्रैक्टिस आप जितना हो सके कंप्यूटर और लैपटॉप पर ही कीजिएगा इंस्टेड ऑफ मोबाइल फोन, बिकॉज कंप्यूटर और लैपटॉप के आप हैबिचुअल अगर प्रैक्टिस से ही हो जाते हो तो फिर आपको एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होती है. एंड वैसे भी पीटी के काफी प्रैक्टिस टेस्ट हैं जो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर और लैपटॉप में ही अलाउडेड होते हैं ओपन के लिए. सो दैट इज वाई अगर मोबाइल फोन में वो लिंक ओपन ना हो रहा हो तो प्लीज जस्ट यूज योर कंप्यूटर और लैपटॉप. सो दिस इज पीटी. कई स्टूडेंट्स अब तक ऐसे हैं जिनको पीटी के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, कुछ पता नहीं है, तो दैट इज वाई आई थॉट दैट आई शुड टेल यू, बिकॉज आजकल मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया मूव कर रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया के लिए पीटी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है एज आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग पॉइंट. सो नाउ यू कैन जस्ट ऑब्जर्व दैट कि आपको आईएलटीएस करनी है या पीटी करनी है, दोनों की वीडियोज मैं अपलोड कर रही हूँ वीडियो अपने चैनल पर. तो आपको जो अच्छा लगता है, आपको जो प्रेफरेबल लगता है, आप यहाँ से वीडियोज देखकर उसको घर पे प्रैक्टिस करके अपना एग्जाम आराम से दे सकते हैं और स्कोर भी ला सकते हैं. So this was the PTE and in next video I will just tell you about the first module. Speaking kya hai, writing kya hai, jaise ki ye ek saath hote hain. So I will tell you speaking and writing together. Inko pura ek ek karke explain karungi aur uske baad aapko pata lag jayega ki humko inko together kaise karna hai aur isme karna kya hota hai. So thank you for this video and watching this and now just wait for my upcoming video. Thank you so much.